उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला इकाई की बैठक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल की अध्यक्षता में गोलघर स्थित एक होटल में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के जिला अध्यक्ष मदन लाल अग्रहरी, महानगर अध्यक्ष अनिल टेबड़ीवाल, प्रमोद टेकड़ीवाल, विशाल गुप्ता, विनोद गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा पॉलिथीन पर किए जा रहे एकतरफा कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों को दिए जाने वाली पेंशन की धनराशि 30,000 रुपये किए जाने की मांग की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल कंचल ने कहा, कोई आदमी आता है और किताब बैठने में नहीं जमाते तो बार बार आए और जब विरोध होगा, उसका आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा तो आना बंद हो जाएंगे, आना बंद हो जाएंगे। इसलिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष को युवा कहते हैं, युवा का अध्यक्ष कौन है यहाँ जिले के है ना, जिले के जिले से मतलब क्या, जिला गोरखपुर जिले में आप रहते हमको अगर बुलाएगा तो हम जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिले के लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि गोरखपुर जिले के अंदर ही है, बाहर नहीं है। हमारे जो डिस्पोजल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो अधिकारियों के पास जब वार्ता करने जाते हैं फिर अपनी ही बातों को कहते हैं, अधिकारियों की वार्ता को सुनने का वो प्रयास नहीं करते हैं। बहुत इतनी बड़ी समस्या है और इतना धारा प्रवाह बोलते हैं और कभी कभी उनके शब्दों का कुछ अर्थ नहीं निकलता है। और जब एक आंदोलन कर देते हैं इसके बाद वो बैठ जाते हैं, कभी भी अपमान होने का सोचते नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो हमारे अध्यक्ष जी को याद करते हैं, हमारे अध्यक्ष जी उनके साथ चले जाते हैं, इसके बाद कभी किसी पदाधिकारी को तवज्जो नहीं देते हैं। अब कहते हैं क्या बैन हो क्या बैन नहीं, प्रायः लोगों को मालूम नहीं। अगर एक पत्र के माध्यम से हम लोग को भी सूचित हो जाए, हम लोग उसको छपवा के रेट को कर रहे हैं, जो गलत बेच रहा है उसको हम लोग नहीं बचा ले जा पाएंगे, जो बैठ है वो बेच रहा नहीं होना। अगर वो ये सिस्टम से पत्र मिल जाए कि हाँ ये पत्र तो मैं भिजवा दूंगा आपको, हाँ पत्र भिजवाया नहीं गया, पत्र खाते में भी आना भिजवाया नहीं गया, हमको मेल पर व्हाट्सएप दे दीजिए, आप सलाम को इसको दे रहे हैं, हम भिजवा देंगे। अच्छा जी, इसी के लिए देखा हूँ निवेदन आपको करते हैं, समस्या नहीं है, जीत हासिल हुई है। 35 सालों से व्यापार मंडल व्यापारियों को पेंशन दिलाने के लिए लड़ रहा था, इसके लिए व्यापारियों ने तमाम हड़तालें की, जेल यात्राएं की, अनशन किए, भूख हड़तालें की, रैलियां की, और अब भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने व्यापारियों को पेंशन देने की घोषणा कर दी है 3,000 रुपया महीना। इसके लिए मैं भारत सरकार का स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि व्यापारियों को पेंशन 30,000 रुपये महीने दी जाए, क्योंकि 500 रुपया हम जमा करेंगे 30 साल तक, 500 रुपया सरकार जमा करेगी, उसका ब्याज ही 18,000 रुपया हो जाएगा, तो 3,000 रुपया देने का मतलब नहीं है, 30,000 रुपया पेंशन दी जाए। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस पेंशन को 3,000 से बढ़ा के 30,000 रुपया ज़रूर करेगी। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे दुर्घटना बीमा 5 लाख का था पिछले सरकार में, अब हम लोगों की मांग पे उन्होंने बढ़ा के 10 लाख रुपया कर दिया है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। बनारस के व्यापारियों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण से हटाया जा रहा था, उनको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा था। हमारा व्यापार मंडल ने लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला कि व्यापारियों का इस तरीके से उत्पीड़न हुआ है, तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में 16 लाख रुपया देने का हल्फनामा लगाइए, और अधिकारियों ने लगाया। अब वहाँ के व्यापारियों को 16 लाख रुपया मिलेगा, ये व्यापार मंडल की बहुत बड़ी जीत है और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। पॉलीथीन के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पॉलीथीन या तो हटाई जाए तो सभी की हटाई जाए, आप जो है मल्टीनेशनल कंपनियों को तो पॉलीथीन से छूट दे रखे हैं, अब पानी की बोतल बिक रही है आप छूट दे रखे हैं, अब आप उसमें वेरिएशन कर रहे हैं, ये वेरिएशन जो किया जा रहा है खुदरा व्यापार को समाप्त करने का षड्यंत्र है। मल्टीनेशनल कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों का पोषण और खुदरा व्यापारियों को शोषण करने का षड्यंत्र है, इसलिए हम इस षड्यंत्र को चलने नहीं देंगे। या तो सारी फैक्ट्रियों को बंद करा दीजिए, प्लास्टिक की फैक्ट्रियों को, अपने आप गोरखपुर में नहीं आएगा, लखनऊ में नहीं आएगा, और या किसी का ख़त्म मत कीजिए, सब चलने दीजिए। और हम लोगों ने तय किया, आज की बैठक में भी तय हुआ है
कि जहाँ कहीं प्लास्टिक रोकने के लिए अगर अधिकारी आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनको रोकेंगे।